नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विश्वास पैदा होता है, हर पल नया उमंग आ जाता है। न थकता हूं, न रुकता हूं और न ही झुकता हूं। क्यों? क्योंकि वो आशीर्वाद मुझे मिल जाते हैं। और इसलिए मेरा जोहार पहुंचाओगे? हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा जोहार पहुंचाओगे? मेरा राम राम पहुंचाओगे? मेरा नमस्ते पहुंचाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोर्ट ने फिर आदेश दिया, दिल्ली नहीं पूरे देश के लिए आदेश दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर आदेश की भी धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की ठान ली है और लोगों की जिंदगी को संकट में डालने की ठान ली है, तो फिर तो अब उसके आगे तो कोई सवाल नहीं बनता है। थैंक यू। नहीं, हम बाइट नहीं दे रहे, किसी को भी नहीं है। सुबह दे दिया, आप बहुत बढ़िया, किसी को भी नहीं। मैंने सुना नहीं लिया था। क्यों? अब आप क्यों नहीं आए? तो आप सुन रहे थे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को, बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि गोपाल राय ने एक बैठक की और बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त है, ये गोपाल राय का कहना है। और पर्यावरण मंत्री ने बीजेपी की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए। तो ये बड़ी खबर, गोपाल राय पर्यावरण मंत्री दिल्ली के, उन्होंने एक अहम बैठक की है। क्योंकि देखिए, AQI का लेवल जो है वो एक बार फिर से इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें इस समय दिल्ली वासियों के लिए बढ़ गई हैं। क्योंकि AQI लेवल ज्यादा होने की वजह से लोगों को अब सांस लेने तक में दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के आंखों में जलन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। तो देखिए, गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर एक बड़ी बैठक की है और आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी की सरकारों पर हमला बोला है।
अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ गए। नमित, ये बड़ा दिलचस्प लगा कि बीजेपी की सरकारें जिम्मेदार हैं। हरियाणा से धुआं आ गया और उत्तर प्रदेश से धुआं आ गया, क्या दिल्ली में पटाखे नहीं फूटे? देखिए बिल्कुल गोपाल, ने अभी 12 बजे एक घंटे तक तमाम जो अधिकारी थे पर्यावरण विभाग के उनके साथ मीटिंग की और उसके बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली के अंदर पटाखे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बैन है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर इतनी आतिशबाजी हुई, तो आखिर ये पटाखे जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उसमें हरियाणा की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ से इन पटाखों को लाया गया और वहाँ की पुलिस ने आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों वहाँ से पटाखे के आने जाने पर रोक नहीं लगाई गई? तो सीधे तौर पर कहे तो बीजेपी की सरकारों पर निशाना गोपाल राय ने साधा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्लियर सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया है, क्योंकि कृत्रिम बारिश पर लगातार ये असमंजस बना हुआ था कि क्या कृत्रिम बारिश होगी दिल्ली में, नहीं होगी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ही कह दिया कि कानपुर आईआईटी के लोगों के साथ जो डीपीसीसी के अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में है और आने वाले समय में अगर प्रदूषण का लेवल इस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन में और ये लेवल बढ़ेगा, तो उस दौरान सरकार फिर से इस पर विचार कर सकती है। लेकिन दो बड़े फैसले इस मीटिंग के बाद लिए गए हैं अभिषेक, वो पहले हम दर्शकों को बता दें। पहला ये कि एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन, यानी कि क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, तो खुले में जो लोग आग जलाकर हाथ सेकते हैं उस पर रोक लगाने के लिए जो एक महीने का जो कैंपेन है वो 14 नवंबर से 15 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ साथ जो एंटी डस्ट कैंपेन है उसकी अवधि को भी 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। तो ये बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकारों पर लगातार निशाना साधा है गोपाल राय ने, और ये कहा है कि पड़ोसी राज्यों से आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद पटाखे दिल्ली में कैसे आए? बिल्कुल, तो इस और साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है उससे बेहतर है आप सरकारों के साथ बैठकर के बात कीजिए। प्रशासनिक अधिकारी जितने भी जिले लगते हैं दिल्ली से दूसरे राज्यों के जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, उन जिलों के प्रशासनिक अधिकारी एक दूसरे से अगर समन्वय बिठा करके चीजों को करें शायद ज्यादा बेहतर होगा। आप आरोप प्रत्यारोप पे आ गए हैं, अब ये स्थिति लग रही है सरकार की। देखिए दरअसल सुबह से हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौड़ लगातार जारी है। बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा कि जो लोग पटाखे का विरोध कर रहे हैं वो सनातन विरोधी हैं। उसका भी जवाब गोपाल राय ने कहा कि ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि पटाखों पर बैन दिल्ली सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर सोशल मीडिया पर लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि इसका सोल्यूशन ये नहीं, इसका सोल्यूशन है कि आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ बैठकर बातचीत की जाए। हालांकि इसको लेकर हमने देखा कि 4 दिन पहले ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने, चाहे हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, वहां के पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि फिलहाल दिल्ली के अंदर जो डीजल की बसें हैं उन पर प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद उसके आनंद विहार में हमने देखा कि कई डीजल की बसें जो हैं, जो कि BS6 से नीचे हैं, BS4 और BS3 मॉडल की हैं, वो अभी भी पहुँची हुई थी। तो ऐसे में वहाँ के राज्य सरकारों के जो परिवहन मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी, लेकिन उस पर कोई एक्शन हो नहीं सका। इसके अलावा 15 दिन पहले हमने देखा था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी गोपाल राय ने चिट्ठी लिखी थी और एक मीटिंग के लिए कहा था, लेकिन वो मीटिंग भी अब तक हो नहीं सकी है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ेगा ये तो निश्चित तौर पर तय है, लेकिन दिल्ली के लोगों पर पाबंदियां और ज्यादा लगनी शुरू होंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अब इन सब के बीच नमित समझना तो ये होगा कि इसका समाधान निकलेगा कैसे। समाधान निकालना ज्यादा जरूरी है और गोपाल राय जो बातें कह रहे हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, धरातल पे वो चीजें उतर ही नहीं रही हैं, तो फिर रोड मैप तैयार करके भी क्या फायदा जब आप धरातल पे ना उतार पाए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो नियम कायदे कानून दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं, क्योंकि दीपावली के बाद से है, जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स अगले एक सप्ताह में बढ़ता है उसका सामना दिल्ली वालों को करना पड़ेगा। हालांकि जो 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान है वो पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार दिल्ली के अंदर लागू है, लेकिन उनको उसके अंदर अब लोगों को भी आगे आना होगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियाँ, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर तीखा टिप्पणी कर रही है, लेकिन इससे नुकसान दिल्ली वालों को हो रहा है, क्योंकि जब तक पड़ोसी राज्यों के साथ बैठकर कोई मीटिंग नहीं होगी, चाहे पर्यावरण मंत्री हो या फिर वहां के पर्यावरण विभाग के अधिकारी हो, तब तक इस जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, एक्वा लेवल बढ़ रहा है, इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, हालांकि जो आखिरी ऑप्शन है वो OD1 है, OD1 पर भी गोपाल राय ने क्लेरिफिकेशन किया कि जो सीवियर कैटेगरी है वो उसमें अगर प्रदूषण जाता है, यानी कि 450 के प्लस में अगर एक्वा लेवल जाता है अगले कुछ दिनों में, तो फिर सरकार बता दीजिए कि देखिए हमने ये देखा है कि जब
पूरा दिल्ली और एनसीआर जिस समय प्रदूषण की चपेट में था, बारिश हुई, बहुत राहत मिली, AQI लेवल काफी नीचे गिर गया। तो अगर कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है तो उस दिशा में आप तेजी से बढ़ जाइए, उसका भी अब इंतजार क्यों, होगा भी या नहीं होगा ये भी क्लियर नहीं है। देखिए दरअसल उसके पीछे दो पहलू हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब लास्ट सुनवाई हुई थी वहाँ पर कृत्रिम बारिश का विषय रखा गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आपको जो करना है करिए, लेकिन हमें प्रदूषण में कमी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि दिवाली के आसपास दो दिन दिल्ली के अंदर बारिश हुई, उससे AQI लेवल में कमी आ गई। अब अगर AQI लेवल और ज़्यादा बढ़ता, क्योंकि कृत्रिम वर्षा कराना भी इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए भी तमाम एजेंसियों से परमिशन लेनी होगी, केंद्र सरकार की भी कई एजेंसियाँ जिनसे परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही दिल्ली के अंदर कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। तो अगर ये अब कैटेगरी रखी गई है, यानी कि अगर आने वाले दो से चार दिन में 450 प्लस जो AQI लेवल है वो रहता है, तो उसके बाद हो सकता है कि कृत्रिम वर्षा पर भी चर्चा हो। क्योंकि गोपाल राय ने क्लियर कहा कि DPCC के अधिकारी लगातार कानपुर IIT के लोगों के संपर्क में हैं, और हो सकता है कि अगर इसी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई तो आने वाले समय में दिल्ली के अंदर कृत्रिम बारिश जो है वो जरूर हो सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आपको बता दें पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चला चली की बेला है, कुछ दिन का खेला है, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई तय। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले चरण में कांग्रेस पस्त हुई, बीजेपी के पक्ष में भारी मतदान हुआ, कांग्रेस ने 5 साल तक प्रदेश को लूटा है, 3 दिसंबर को बीजेपी आ रही है। कांग्रेस जनता से वादा खिलाफी करती है, तो कई बड़े हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस सरकार पर किए गए। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। कितने? मैं जब छत्तीसगढ़ का विकास करने की बात करता हूं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता है। कांग्रेस आप लोगों को इसी हालत में रखने के लिए छोड़ना चाहती है, ताकि आपके वहीं आपको बता दें महादेव ऐप को लेकर पीएम मोदी ने निशाना साधा। महादेव ऐप के जरिए 508 करोड़ का घोटाला हुआ, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस में घोटाले को लेकर एग्रीमेंट होता है, कांग्रेस बताए घोटाले में किसे हिस्सेदारी मिली है, ये बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और जोरदार हमला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस पर। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। कितने? जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है, और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी एक चुनावी रैली को मध्य प्रदेश में संबोधित कर रहे हैं। जाति जनगणना कर लीजिए,
इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने जनरल हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। और जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। और यह काम हम गारंटी करके पूरा कर देंगे। आप सब दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम बघेल ने वार किया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएम मोदी चुनाव तक ही छत्तीसगढ़ आएंगे, चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ कभी नहीं आएंगे। पीएम, कोविड में क्या तकलीफ हुई कभी पूछने नहीं आए, आदिवासियों की तकलीफ कभी नहीं पूछते। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि कोविड काल में क्या स्थिति रही उसको लेकर कभी पीएम पूछने नहीं आए। देखिए, हम लोग तो गारंटी देते जा रहे थे, है ना, और हम तो लक्ष्मी पूजा के लिए बचा कर रखे थे। और कल हमने लक्ष्मी पूजन के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने शुरू की, तैयारी हमारी पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी झांसे मांगे, मैं क्या करूं। मोदी जी आ रहे हैं कल, आने दीजिए, आते रहेंगे, चुनाव तक के आएंगे, उसके बाद तो कभी आए नहीं। कोरोना में क्या तकलीफ पूछने कभी नहीं आए, है ना, किसानों की क्या तकलीफ हुई कभी पूछे नहीं, यहाँ के आदिवासियों की क्या तकलीफ कभी पूछे नहीं। वहीं क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को बड़ा सम्मान दिया गया है। सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम सम्मान से नवाजा गया है। डायना एडोलजी को भी हॉल ऑफ फेम सम्मान मिलेगा। डायना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। इससे पहले 7 भारतीयों को यह सम्मान मिल चुका है। इस साल 3 क्रिकेटर्स को यह सम्मान मिला है। श्रीलंका के क्रिकेटर रहे अरविंदा डिसिल्वा को भी सम्मानित किया गया है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग को यह बड़ा सम्मान दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। छठ पर्व को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। प्रशासन की ओर से घाटों की सफाई से लेकर भीड़ नियंत्रण को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। छठ घाटों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। गाजियाबाद के अलग अलग छठ घाट जो हिंडन नदी किनारे बने हुए हैं, उन पर आज छठ पूजा की तैयारी लोगों ने शुरू कर दी। हालांकि नगर निगम के द्वारा बड़े स्तर पर इन छठ घाटों की देखरेख हर साल की जाती है, लेकिन इस बार पहले से ही छठ पर्व मनाने वाले श्रद्धालु अपनी जगह सुनिश्चित करते हुए खुद व्यवस्था करने में जुट गए हैं।